वेलकम टू अजमेर रसोई। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। आप दिवाली पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम एक बर्तन में 500 ग्राम खोया लेंगे, 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे, इसमें अब हम 1/2 कप मैदा डालेंगे जो कि 50 ग्राम है। अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। हमें हमारे खोए को इस तरह से चिकना करना है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। हमें इस तरह से इसकी बॉल बनानी है। इसमें क्रैक्स नहीं आने चाहिए, नहीं तो हमारे गुलाब जामुन फट जाएंगे। मेरा ये घी गरम हो चुका है, अब हम इसे चेक करेंगे। देखिए, ये डालते ही ऊपर आ गया है, यानी हमारा घी गरम हो चुका है। अब मैं गुलाब जामुन फ्राई करूंगी। अभी मैंने फ्लेम को फुल रखा है और गुलाब जामुन डालने के बाद मैं इसे लो कर दूंगी। हम इन्हें ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हमें इन्हें पलटते रहना है ताकि ये जले ना। ये फ्राई हो रहे हैं जब तक मैं बाकी बॉल्स भी तैयार कर लूंगी। हमारे गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। इन्हें फ्राई होने में 5 मिनट लगे हैं। देखिए मेरे गुलाब जामुन अंदर से कितने अच्छे से पक गए हैं। मैंने सारे गुलाब जामुन फ्राई कर लिए हैं। अब हम गुलाब जामुन की चाशनी तैयार करेंगे। मैं एक पैन में 2 कप शुगर लूंगी जो कि वेट में 400 ग्राम है। अब मैं इसमें 2 कप पानी डालूंगी। अब मैं शुगर घुलने तक इसे पकाऊंगी। हमारी शुगर घुल चुकी है, अब मैं 2-3 मिनट इसे और पकाऊंगी। मैं चाशनी में थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दूंगी, इससे गुलाब जामुन का फ्लेवर अच्छा आता है। हमें हमारी चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, नहीं तो चाशनी गुलाब जामुन के अंदर नहीं जाएगी। हमारी चाशनी चिकनी हो गई है और ये तैयार है। मैं फ्लेम को ऑफ करके हमारे गुलाब जामुन गरम गरम चाशनी में डाल दूंगी। हम गुलाब जामुन को 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे गुलाब जामुन तैयार है। मैं आपको एक गुलाब जामुन काट के दिखाती हूँ। देखिए हमारे गुलाब जामुन ने कितने अच्छे से चाशनी पी ली है और हमारे गुलाब जामुन कितने सॉफ्ट बने हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।